आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम बनाएंगे पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन। बेसिकली पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन कॉनिकल प्रोजेक्शन का ही मॉडिफाइड रूप है, संशोधित रूप है। इस प्रोजेक्शन में जितने भी अक्षांश वृत्त होते हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स सर्कल होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो सभी मानक अक्षांश के रूप में होते हैं, सभी स्टैंडर्ड पैरेलल होते हैं। और इसको बनाने से पहले यह हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, कल्पना करते हैं कि सभी अक्षांशों पर कागज के शंकु रखे हुए हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसीलिए इसको पॉलीकॉनिक बहुशंकु प्रक्षेप कहते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, आरएफ दिया है 1:200,000,000, इंटरवल 15 डिग्री, रेंज अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूड्स हैं ये, एंड लॉन्जिट्यूड्स 75 डिग्री ईस्ट टू 75 डिग्री वेस्ट। इसका सॉल्यूशन करते हैं। आर रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन, एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ आरएफ, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन निरूपक भिन्न का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63560 डिवाइडेड बाय 100 का 60 और आंसर 6.35 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेशन इज कंप्लीट। अब हम प्रोजेक्शन बनाना शुरू करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्शन बनाएंगे, पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा आर जो आया है दैट इज 6.35 सेंटीमीटर। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 6.35 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। ये 6.35 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है जिसे नेमिंग दे देना है ए एंड बी। 6.35 सेंटीमीटर ए से डी रखकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ए से 90 डिग्री का एंगल डी की हेल्प से हमने बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद ए और बी के डिस्टेंस को हमें अपने कंपास में प्रकार में लेना है और ए को सेंटर मानकर हमने एक आर्क ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। आर्क ड्रॉ करने के बाद पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन है, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सब मानक अक्षांश है, सारे स्टैंडर्ड पैरेलल है। तो हमने सबसे पहले सारे लैटिट्यूड्स बना लेने हैं। तो हमने 45, 30, 45, 15, 30, 45, 60, 75। तो हमें जरूरत है आपके पास 30 की, तो हमने 30 डिग्री का एंगल बना लेना है। ये सारे एंगल हमने बना लेने हैं। 15 वाला हमने नहीं बनाना है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल हमारा यहां से भी आ जाएगा और हम लैटिट्यूड्स यहीं से बनाएंगे। तो बी सी डी ई एफ एंड जी हमने ये सारे एंगल्स को नेमिंग कर देनी है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है 30 डिग्री 30 45 60 एंड 75, 30 डिग्री के एंगल पे हमें डी रखना है ऐसे, इस तरीके से डी रखेंगे आप। डी रखने के बाद यहां से इस जगह से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस लाइन को हमने पूरा ऊपर तक खींच देना है जो इस लाइन को कहीं टच करेगा और ये बनेगा हमारा पी। अब ये वाला जो पॉइंट है डी वाला, यहां डी रखना है और इस तरीके से डी रखना है। आप डी की पोजीशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से डी रखना है और यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्योंकि हमारे सारे अक्षांश, सारे लैटिट्यूड्स हमारे स्टैंडर्ड पैरेलल है, तो जैसा हमने कॉनिकल प्रोजेक्शन में पहले किया था कि स्टैंडर्ड पैरेलल पे 90 डिग्री के एंगल्स बनाए थे, वही काम करना है। बस इस बार हमें हर लैटिट्यूड पर डी रखना है
इस तरीके से, और डी रखने के बाद यहां से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है ऐसे। एंड लास्ट ये वाला है आपका 75 डिग्री, यहां भी आप इस तरीके से डी रखेंगे और यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये डी रखना सिखाया है मैंने आपको, आपको इसको ड्रॉ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने सारे लैटिट्यूड्स पे 30, 45, 60, 75 सब पर 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ करी है और हमारे 1, 2, 3, 4 कोन हमें मिल गए हैं, P, P1, P2 एंड P3। यहां तक आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स, ये 15 डिग्री का इंटरवल है आपका, तो आप इस वाले डिस्टेंस को अपने कंपास में ले लीजिए, ये आपका सी पॉइंट था, सी और डी के बीच के डिस्टेंस को लीजिए और यहां ए पॉइंट पर कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। जी है ये, एच एंड आई हमने इसको नेमिंग दे दिया है और अब सभी डॉट्स पे दिस वन, ये जो लाइन आ रही है यहाँ कट कर रही है, इन सब से हमें एक सीधा परपेंडिकुलर डाल देना है, लंब डाल देना है और ये चार लंब हो गए जिसको हम नाम दे देंगे जे के एल और एम। तो ये आपका फिगर वन का काम कंप्लीट हो गया है। फिगर वन के बेस पे हमने अब ड्रॉ करना है फिगर टू, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक सीधी लाइन इस तरीके से, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी आपने। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये वाला जो आपका डिस्टेंस है, ये वाला P से लगाकर और ये C तक का जो डिस्टेंस है इसको आपने अपने कंपास में लेना है, यहां से लगाकर यहां तक के डिस्टेंस को आपको अपने कंपास में लेना है। यहां फर्स्ट सेंटर, फर्स्ट कोन आपको लेना है P, यहां कंपास की आपको ये नोक रखनी है और एक आर्क ड्रॉ कर देना है जो ये आपका 30 डिग्री लैटिट्यूड को शो करेगा, 30 डिग्री नॉर्थ को ये शो कर रहा है। अगेन पी टू सी, इस डिस्टेंस को कंपास में लेना है, यहां सेंटर मानना है और ये आर्क ड्रॉ कर देना है। इसके बाद के स्टेप को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, अब सबसे पहले आप डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड के लिए आप ये वाले डिस्टेंस को कंपास में लेंगे, इस वाले डिस्टेंस को लेने के बाद यहां पे कंपास रखना है और आपको मार्क कर देना है 1, 2 और ये 3, क्योंकि हमको तीन लैटिट्यूड्स बनाने हैं, 30, 45, 60, 75, तो ये हो गया 45, 60 और 75। इस वाले डिस्टेंस 15 डिग्री के इंटरवल से हमने ये मार्क कर दिए हैं। सेकेंड स्टेप, नाउ P1 to D, यहां से लेकर और यहां तक इस डिस्टेंस को आपको कंपास में लेना है, P1 to D, ये वाला। इस डिस्टेंस को कंपास में लेने के बाद ये वाला स्टेप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हमने लिया है, अब हमने पेंसिल रखनी है यहां पर इस जगह जो हमने मार्क किया है और ये जो हमारा प्रकार की नोक है, कंपास की जो पिन है, ये जहां भी आए हमें वहां पर उस पिन को दबा देना है, ये बनेगा हमारा P1 और हमें सेकेंड आर्क ड्रॉ कर देना है लाइक दैट। नाउ स्टेप नंबर 3, अब हमें E से लेकर P2 के डिस्टेंस को अपने कंपास में लेना है ऐसे। लेने के बाद अगेन पेंसिल की नोक हमें रखनी है यहां और प्रकार की नोक हमारी जहां भी आ रही है उस जगह हमने मार्क लगा देना है, ये हो गया हमारा P2 और इस डिस्टेंस को यहाँ प्रकार की नोक रख के और हमें ये थर्ड वाला आर्क बना देना है। आपको अगर इस प्रोजेक्शन का नाम याद हो पॉलीकॉनिक, मतलब हमारे कोण बहुत सारे हो रहे हैं, तो 1, 2, 3 कोण हो गए हमारे। नाउ लास्ट ये वाला डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है, ये वाला। लेने के बाद आप पेंसिल की नोक रखेंगे यहाँ, अगेन प्रकार की नोक जहां भी आए वहां रखना है, इसको इस तरीके से रखें और अगेन आपको लास्ट वाला आर्क अपना बना देना है। तो नाउ 30, 45, 60 और 75 आपके ये 4 लैटिट्यूड्स बनकर तैयार हो गए। होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब हमें बनाने हैं लॉन्जिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। उसके लिए हमारे क्वेश्चन में हमने आपको दिया था 75 डिग्री
ईस्ट टू 75 डिग्री वेस्ट, मीन्स 5 इधर और 5 इधर, और ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो ये जो है ये देखिए, ये 30 डिग्री के लिए ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, इस डिस्टेंस को लेना है आपको अपने कंपास में यहां पे, और 5 निशान इधर लगाने हैं, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही 5 निशान इधर, 1 2 3 4 5। 45 के लिए ये 45 डिग्री का एंगल है, तो सेकंड के लिए हम ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ निशान लगा देंगे आगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाउ थर्ड के लिए, 60 के लिए ये वाला और छोटा, यहां से निशान लगाने हैं 5। एंड लास्ट ये 75 के लिए बिल्कुल छोटा वाला, ये इस जगह निशान लगेगा 75 के लिए। तो ये हमने निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अभी लगाने के बाद हमें फ्री हैंड से कर्व के रूप में आर्क देते हुए इन सारी लाइंस को मिलाना है। ये कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, ये 1 2, ये 3, नाउ 4th एंड नाउ लास्ट वन इज 5th। ऐसे ही आपको इस तरफ से बनाना है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5। अब आप इसको दे दीजिए नंबरिंग, 15 30 45 60 75, ये हो गया आपका ईस्ट, 15 30 45 60 और 75 वेस्ट। तो ये आपके सारे एटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स बनकर तैयार हो गए हैं। एक्स्ट्रा लाइन जो भी होती है हमें उसे इरेज कर देना है, लैटिट्यूड्स नंबरिंग कर देनी है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का है तो यहाँ एन लिख देंगे, और लास्ट में आरएफ लिखकर इसको कंप्लीट कर देंगे। ये बनकर तैयार हो गया आपका पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन। स्टूडेंट्स को ये बहुत टफ लगता है बनाने में, बट मैं उम्मीद करूंगी कि शायद आपको ये आज समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिकल के सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर इसी बात पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्शन का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिले। थैंक यू सो मच।